हाँ जी बेटा अब ठीक है, अब वीडियो क्लियर हुआ बेटा? यस मैम। चलो ठीक है, नेक्स्ट डिजीज आ जाइए बेटा। हाँ जी बेटा, फिब्रिलेशन, ये सीएडी, हार्डनिंग ऑफ, ये तो पुराना था, ये तो आप लिख चुके हो। अच्छा एंजाइना पेक्टोरिस, एंजाइना पेक्टोरिस मैंने बताया था, पेन इन द हार्ट, पेन इन द चेस्ट, आपने लिखा नहीं एंजाइना पेक्टोरिस, लिख लो फिर जल्दी से अगर नहीं लिखा। एंजाइना पेक्टोरिस या सिंपल एंजाइना, इट इज पेन इन द चेस्ट और हार्ट मसल्स, पेन इन द चेस्ट और हार्ट मसल्स ड्यू टू लेस सप्लाई ऑफ ब्लड, ड्यू टू लेस सप्लाई ऑफ ब्लड टू हार्ट मसल्स। ठीक है जी, नेक्स्ट एक आ जाता है बेटा टैकीकार्डिया, ये टर्म्स है टैकीकार्डिया। सो व्हाट इज टैकीकार्डिया? दैट इज रैपिड हार्ट बीट, टेम्परेरी होती है, कोई परमानेंट वाला नहीं है, इंक्रीज इन रेट ऑफ हार्ट बीट इज टैकीकार्डिया। उसके बाद है बेटा ब्रैडीकार्डिया, लेस या लो हार्ट बीट, लो हार्ट बीट इज टैकीकार्डिया। What was spelling of that? It's B. B R A D Y, bradycardia. C A. The important diseases of circulatory system. ठीक है जी? तो pacemaker मैंने कल आपको बता दिया था। बाकी एक bypass surgery लिख लो। It is bypass surgery. It is done when major coronary arteries gets blocked. It is done when major coronary arteries are blocked. In this surgery, आर्टरीज फ्रॉम द थाई रीजन आर कट, हमारे थाईज में बेटा एक्स्ट्रा आर्टरीज है, आर्टरीज फ्रॉम द थाई रीजन आर कट एंड इज इम्प्लांटेड इन द चेस्ट रीजन ड्यू टू विच the blocked artery is bypassed, due to which the blocked artery is bypassed. ठीक है, तो उस आर्टरी को हम बाईपास करके उसके लिए एक हम ये कहते हैं ना कि दो सड़कें जा रही है, पहले एक ही सड़क थी, वन रोड थी, ठीक है, वो बहुत उबड़ खाबड़ गंदी सी सड़क थी, बनी नहीं हुई थी, या तो है कि हम उसको प्रॉपर बनाए, उसको बनाने में टाइम लगता है, उसको बनाने में बहुत पैसा खर्च हो रहा था क्योंकि वहां पे और ज्यादा प्रॉब्लम थी, पहाड़ थे, नदी थी एंड ऑल दैट, तो हमने क्या किया, एक साइड में से दूसरी जो है सड़क बना दी, दैट इज कॉल्ड एज बाईपास। ठीक है ना, हम शहरों में भी तो बाईपास करते कि शहर को बाईपास कर दो, दूसरी रोड से निकल जाओ, इसी तरह से हार्ट में भी जो ओरिजिनल ब्लड वेसल्स जो ब्लॉक्ड है उनको बाईपास करके एक नई ब्लड वेसल हम क्रिएट कर देते हैं, इज इट ओके? So this is called as bypass surgery. So this is all about, I think,
इसमें हमारा और कुछ नहीं रहता, वी आर डन विद द सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है जी, जरा अपनी कॉपीज खोलो, उसमें देखो, अगर कोई सर्कुलेटरी सिस्टम की कोई आपको पॉइंट नहीं समझ में आया, तुम्हें नहीं समझ में आया था क्या प्रॉब्लम, कौन सी वाला? अच्छा, हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम। हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम यहाँ पे जशन को, चल बेटा इधर देखो, हाइपोफाइजियल, हाइपोफिसिस क्या है? हाइपोफिसिस इज पिट्यूटरी ग्लैंड को हाइपोफिसिस कहते हैं। पोर्टल सिस्टम क्या है एक्चुअली, कि एक ब्लड वेसल एक ऑर्गन से निकली, जनरली क्या होता है, एक ऑर्गन से वेन निकल के वो वीना कावा के थ्रू हार्ट में चला जाता है ब्लड, यही एक जनरल प्रोसीजर है। बट इन सम केसेस देयर आर सम स्पेशल रीजंस, कि एक रीजन से वेन निकली और वो वेन वीना कावा में ना पोर करके इट ओपन्स इन अनदर ऑर्गन। तो हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम में क्या है, हाइपोथैलेमस एक ब्रेन का पार्ट है, फोर ब्रेन का पार्ट है, वहां पे ऐसे दो ब्लड वेसल्स निकली दैट आर कॉल्ड एज पोर्टल वेन्स एंड दे ओपन इन द पिट्यूटरी ग्लैंड। क्यों, क्या जरूरत थी, वो वीना कावा में जाती अपना ऑक्सीजनेट करे ब्लड, क्या जरूरत है पिट्यूटरी ग्लैंड में खुलने की? तो ये आपने 10th क्लास में भी किया है कि हाइपोथैलेमस दे सिक्रेट रिलीजर हॉर्मोन्स। पिट्यूटरी ग्लैंड में बहुत सारे हॉर्मोन्स है बट उनको रिलीज करवाने के लिए वो बाहर निकले, वो काम करें, उनको एक सिग्नल चाहिए। वो सिग्नल कहां से आता है, हाइपोथैलेमस से आता है। तो हाइपोथैलेमस सिक्रीट रिलीजर हॉर्मोन्स, एंड हॉर्मोन्स वो कैसे ट्रेवल करते हैं, दे ट्रेवल थ्रू ब्लड ओनली। ठीक है, तो हाइपोथैलेमस में जो हॉर्मोन्स है दे ट्रेवल थ्रू ब्लड ऑफ पोर्टल वेन्स एंड रीचेस द पिट्यूटरी ग्लैंड्स। ठीक है, ये इसका सिग्निफिकेंस। ठीक है, एनीथिंग एल्स? नहीं। हाँ जी, कोई प्रभजोत, आपको कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट? यस मैम। हाँ जी बेटा बोलो। थैस्बियस ऑफ कोरोनरी साइनस एंड वॉल्व, कोरोनरी साइनस एंड वॉल्व ऑफ थैस्बियस। यस मैम। ठीक है, तो कोरोनरी साइनस है क्या है? कोरोनरी साइनस इज फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ कोरोनरी वेन्स। ठीक है, कोरोनरी वेन्स क्या है, जो देखो ब्लड वेसल एओर्टा आया, aorta has oxygenated blood, aorta divides into arteries and one of the artery are coronary arteries। ठीक है, they supply to heart muscles, they supply blood to heart muscles, ऑक्सीजन टू हार्ट मसल्स, और इससे कार्बन डाइऑक्साइड निकल के कोरोनरी वेन्स। कोरोनरी वेन्स दे फ्यूज टू फॉर्म कोरोनरी साइनस, एंड दिस कोरोनरी साइनस, ये हार्ट है लेट अस से, ठीक है ना, तो जो भी जिस तरह से भी है, तो यहां से एक ब्लड वेसल कोरोनरी साइनस आ रही है, सारे हार्ट मसल से उन्होंने ब्लड इकट्ठा किया, कोरोनरी साइनस आ गया। इट्स ओपनिंग इज गार्डेड by a valve called as valve of Thebesius. This is called as valve of Thebesius. यहां से वीना कावा आ रही है, जो हमारे सारे लोअर पोर्शन से, हमारे लेग्स से, हमारे एब्डोमिनल रीजन से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ले रही है। लार्जेस्ट ब्लड वेसल है, लिख लो, लार्जेस्ट वेन इज इंफीरियर वीना कावा, लार्जेस्ट वेन इज इंफीरियर वीना कावा, क्योंकि ब्लड इसमें एंटी ग्रेविटी जा रहा है, दैट्स व्हाई इट्स ओपनिंग इज आल्सो गार्डेड बाय ए वॉल्व कॉल्ड एज यूस्टेचियन वॉल्व। दिस इज वॉल्व ऑफ थैबेसियस, दिस इज यूस्टेचियन, इज इट राइट? लार्जेस्ट वेन इज इंफीरियर वीना कावा, लार्जेस्ट आर्टरी इज एओर्टा।
largest artery is लिख लो aorta and largest vein is inferior vena cava. ठीक है, blood pressure is present in arteries, no pressure in case of veins. ठीक है, veins में pressure नहीं होता, that's why it has maximum valves. दिखाया था ना, veins में बहुत सारे valves होते हैं क्योंकि veins में pressure नहीं है. आप ये देखो कि legs की veins, आप यहाँ पे देखो कि यहाँ से legs है, legs में से veins निकली. वेन्स ने अब ऊपर की तरफ ब्लड को फ्लो करवाना है, एंटी ग्रेविटी ऊपर आएगा, हार्ट के पास को ब्लड आना है. तो यहाँ पे क्या है कि ब्लड का बार बार है कि भी ये ग्रेविटी के फ्लो में ये नीचे जा सकता है, ये ऊपर को फ्लो ही ना करे, तो ये कैसे एंटी ग्रेविटी कैसे फ्लो करता है, ड्यू टू कॉन्ट्रेक्शन ऑफ द वेन्स. धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा सा वेन्स कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, ब्लड को ऊपर भेज रही है, बट ब्लड नीचे गिर सकता है, बट क्या हो गया वहां पे वॉल्व ने क्लोज कर दिया. फिर जैसे ही ब्लड ऊपर गया, यहाँ पे फिर एक दरवाजा है, वॉल्व है, वो क्लोज हो गया. फिर ब्लड ऊपर गया, वॉल्व क्लोज हो गया, ड्यू टू विच देयर इज नो बैक फ्लो ऑफ ब्लड इन द वेन्स. ठीक है, लिखो एक क्वेश्चन लिखो. द ब्लड डज नॉट फ्लो विद प्रेशर इन वेन्स. द ब्लड डज नॉट फ्लो with pressure in the veins. Then how do the blood flow in veins against gravity? Against gravity. तो यहां पे आंसर लिखिए. The blood flows against gravity due to the blood flows against gravity due to contractions of walls of the veins and its backflow is prevented due to presence of lot of valves in the veins. ठीक है जी. नेक्स्ट एक और चीज आ जाती है बेटा सर्कुलेटरी सिस्टम में, लिम्फेटिक सिस्टम. Lymphatic system, it consists of lymph. Lymph vessels. Lymph nodes. And lymphatic ducts. Lymph, we had told you that it is colorless fluid. Having plasma minus
large proteins minus RBCs and platelets. तो हम इसको कह सकते हैं, इसको ब्रैकेट में लिख लो, इसको प्लस करो, ठीक है? Has few, हम कहेंगे अमीबॉइड, अमीबॉइड होता है विच कैन चेंज देयर शेप, अमीबॉइड WBCs. Has few amoeboid WBCs. Has less of nutrients. Nutrients भी कम है. Nutrients and oxygen. Has abundant CO2 and wastes. Formed by filtration through capillaries. ये हमने किया भी हुआ है. Through capillaries in tissues. ठीक है जी, सो दिस इज द कॉम्पोजिशन ऑफ लिम्फ. और लिम्फ वेसल्स, लिम्फ वेसल्स क्या है? लिम्फ कैपिलरीज है. ये लेट अस से टिश्यू है. ठीक है, जो यहां पे बेटा ब्लड वेसल्स है, ब्लड कैपिलरीज है, अगर आप यहां पे देखेंगे कि ये आर्टरी है, दीज आर मेनी ब्लड कैपिलरीज. ठीक है, और ये सब जो है फाइनली ये जुड़ के क्या बना देंगी? वेन बना देंगी. ठीक है अवतार, ऐसे ही होता है बेटा. ठीक है, ये है आर्टरी, ये है कैपिलरीज, और टिश्यू से निकल के क्या बना देंगी? वेन बना देंगी. यस और नो? बट जो लिम्फ कैपिलरीज है, ठीक है, वो यहां से शुरू नहीं हुई, वो टिश्यू में ही ओरिजिनेट हुई है. यहाँ पे मैं तुम्हें बस ये दिखा रही हूं, बस ये आप देख लो कि ये कैपिलरीज है. दीज आर प्रेजेंट एडजेसेंट टू द ब्लड वेसल्स, बट ये कहीं से भी शुरू हो जाती है, मीन्स ये बाहर से नहीं, इनका एक एंड ब्लाइंड है. कहां से है? ब्लाइंड का मतलब है हमें नहीं पता चल रहा इनका ओरिजिन कहां से हुआ है. ठीक है, सो दे आर प्रेजेंट अलोंग विद ब्लड वेसल्स एंड देन come out of the tissue. Do you get me? Lymph capillaries आपको पता चल रहा है? ठीक है, तो लिखो lymph vessels जो है, these are the thin walled lymph capillaries. Thin walled lymph capillaries which are present in the tissue, which are present in the tissue adjacent to the, yeah, near to the blood vessels, near to the blood vessels. But unlike blood vessels, they end blindly from one side. The lymph capillaries of small intestine are called as lacteals. आपने digestive system में पढ़ा है ना lacteals के बारे में?
lymph capillaries of small intestine have milky appearance. Have milky appearance and thus called as lacteals. Thus called as lacteals. Next आ जाता है इसी में ही lymph vessels में ही next point आ जाता है lymph capillaries comes out from the tissue and fuse to form. जैसे capillaries join करके vein बनाती है ऐसे lymph capillaries they join and fuse to form larger lymphatic vessels which have many valves because lymph also flows slowly. Pressure nahi hai lymph ka. Lymph also flows slowly. Jo beta lymph vessels hai, large vessels jo hai, unme, let us say, this is lymphatic vessel. जैसे छोटी छोटी से जालियों के बीच में अगर हम कुछ डाल दें इसी तरह से पूरी लेंथ में लिम्फेटिक वेसल्स में देयर आर सर्टेन स्वेलिंग्स ये जालियां सी लगती है सर्टेन स्वेलिंग्स कॉल्ड एज व्हाट आर दीज दीज आर कॉल्ड एज लिम्फ नोड्स And what are actually lymph nodes? These are the fibrous tissue which stores lymphocytes. मैंने आपको बताया था जब हमने ब्लड किया था तो B lymphocytes and T lymphocytes. ये क्या करते हैं ध्यान से पहले सुनो फिर लिखेंगे कि जब लिम्फ यहाँ पे फ्लो कर रहा है तो जो ब्लड में माइक्रोब्स थे वो लिम्फ में भी आ जाएंगे ठीक है तो ये लिम्फ नोड्स में क्या प्रेजेंट है lymphocytes है लिम्फोसाइट्स यहाँ पे जो फॉरेन एंटीजन्स है या माइक्रोब्स है तो लिम्फ नोड्स में जो लिम्फोसाइट्स है दे ट्रैप दोज माइक्रोब्स एंड डाइजेस्ट देम ठीक है तो ये क्या है जगह जगह हम कहते हैं पुलिस चौकियां बनी हुई है जो क्या करते हैं जो भी फॉरेन मैटर आ रहा है उसको ट्रैप करके उसको खत्म करते दे आर लिम्फ नोड्स तो लिख लो लिम्फ नोड्स क्या है दीज आर द बीन शेप्ड स्ट्रक्चर्स These are the bean-shaped structures which are present throughout the length of lymphatic vessels. They store B and T lymphocytes. They store B and T lymphocytes, which trap and ingest. Any foreign particles present in the lymph. Our next आ जाता है बेटा lymphatic ducts. जो lymph vessels है देखो जरा ध्यान से सुनो
lymph vessels of left side, हमारी जो left side है body की, left side of body fuse to form thoracic duct. ठीक है, whereas अगर right side से देखें, they fuse to form right subclavian duct. Left side की सारी lymph vessels fuse करके thoracic duct, right side की lymph vessels fuse करके they form the right subclavian duct. और दोनों की दोनों duct they pour lymph in inferior vena. तो ultimately हम कहते हैं कि lymph is the part of the blood and ultimately forms the part of the blood. ठीक है ना, blood से ही बना और blood में ही mix हो गया. ठीक, तो ये लिख लो. ठीक है जी, फंक्शंस लिख लो बेटा, फंक्शंस लिख लो लिम्फेटिक सिस्टम के. इट प्रिवेंट्स द लॉस ऑफ वॉटर, इट प्रिवेंट्स द लॉस ऑफ वॉटर थ्रू किडनीज, इट प्रिवेंट्स द लॉस ऑफ वॉटर थ्रू किडनीज. क्योंकि बेटा लिम्फ किडनीज में नहीं जाता है, ब्लड किडनीज में जाता है. अगर लिम्फ फिल्टर ना हुआ होता तो वो सारा ब्लड किडनीज में जाता, तो वहां पे बहुत सारा पानी उसमें से एक्सक्रीट हो जाता, तो उस पानी को बचाने के लिए लिम्फ बनता है. इट प्रिवेंट्स द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम किडनीज. सेकेंड आ जाइए, इट हेल्प्स इन ट्रैपिंग, हेल्प्स इन ट्रैपिंग एंड डाइजेशन ऑफ foreign antigens present in the blood, trapping and digestion of foreign antigens present in the blood. Next आ जाइए, जो लिम्फेटिक सिस्टम है, द लिम्फ नोड्स कैन इवन ट्रैप, द लिम्फ नोड्स कैन इवन ट्रैप द कैंसर सेल्स प्रेजेंट इन द ब्लड एंड देन इन लिम्फ, प्रेजेंट इन ब्लड एंड देन इन लिम्फ. तो बेटा हम ये जनरली कहते हैं कि भाई हो सकता है कैंसर सेल्स हमारी बॉडी में घूम ही रहे हो, बट दे आर डिस्ट्रॉयड, दे आर फॉर्म्ड एंड डिस्ट्रॉयड बाय अवर लिम्फेटिक सिस्टम. बट स्टिल जिनका लिम्फेटिक सिस्टम वीक हो, जिनका इम्यून सिस्टम वीक हो, दे सफर फ्रॉम कैंसर, अदर्स डू नॉट. ठीक है जी, सो दिस दीज आर द फंक्शंस ऑफ द लिम्फेटिक सिस्टम एंड दिस इज ऑल अबाउट हियर यू नो सर्कुलेटरी सिस्टम. हम 5 मिनट का रेस्ट के बाद then we will start with 2 मिनट अपने हाथों को भी रेस्ट दे दो and then we will start with the movement and locomotion.
मूवमेंट एंड लोकोमोशन इन ह्यूमंस जो है, लोअर एनिमल्स में तो कई तरीकों से है, बट इन ह्यूमंस इट इज ड्यू टू स्केलेटल सिस्टम एंड मस्कुलर सिस्टम. इट इज ड्यू टू स्केलेटल एंड मस्कुलर सिस्टम. ठीक है, तो पहले हम आ जाते हैं बेटा. हेलो बेटा, तेरा कनेक्ट नहीं हुआ है? कनेक्ट है. दोबारा से कर बेटा एक बार. ठीक है, अच्छा. तो वी कम टू स्केलेटल सिस्टम. स्केलेटल सिस्टम इज कंपोज्ड ऑफ बोन्स एंड cartilages. This is skeletal tissue. Bones and cartilages. This is skeletal tissue. ठीक है जी. तो पहले हम skeletal system की bones के बारे में. ठीक है प्रभजो? Yes ma'am. तो पहले हम स्केलेटल सिस्टम में कितनी बोन्स है क्या नहीं वो हम बताएंगे. एंड देन वी विल डू कि भाई बोन्स और कार्टिलेजेस का स्ट्रक्चर क्या है. ठीक है, पहले ये लिख लो. स्केलेटल सिस्टम कंपोज्ड ऑफ बोन्स एंड कार्टिलेजेस. नेक्स्ट आ जाइए. नंबर ऑफ बोन्स इन ह्यूमंस. Human skeletal system. It has axial skeleton होता है जो हमारी mid body में present है, और दूसरा है अपेंडिकुलर स्केलेटन. एक्सियल स्केलेटन और दूसरा है अपेंडिकुलर स्केलेटन. एक्सियल स्केलेटन प्रेजेंट इन मिड लाइन ऑफ अवर बॉडी. अपेंडिकुलर होता है साइड्स में. Present on sides of our body. That is called as appendicular skeleton. Axial skeleton में क्या क्या आ जाता है? सबसे पहले आ जाएगा skull. सबसे पहले हमारी ये खोपड़ी वाला पोर्शन आ जाएगा. दिस इज स्कल.
स्कल के बाद आ जाएगा बेटा चेस्ट बोन, स्टर्नम, पीछे आ जाता है वर्टिब्रल कॉलम, सब मिड लाइन में है, और साइड में जो स्टर्नम और वर्टिब्रल कॉलम को जोड़ते हैं दैट आर रिब्स। ठीक है जी। सो स्कल, स्टर्नम, वर्टिब्रल कॉलम एंड रिब्स। अपेंडिकुलर स्केलेटन में आ जाता है बेटा गर्डल्स, मतलब शोल्डर, हिप, गर्डल्स, और साथ में है लिंब बोन्स, गर्डल्स एंड लिंब बोन्स। गर्डल्स में आ जाता है बेटा पेक्टोरल या शोल्डर गर्डल, पेक्टोरल या शोल्डर गर्डल, और दूसरा आ जाता है बेटा पेल्विक या हिप गर्डल। बेटा हर पेक्टोरल गर्डल में दो बोन्स होती है, तो दो पेक्टोरल गर्डल्स है, टोटल बोन्स हुई फोर। हर पेल्विक गर्डल में वन बोन है, सो टू पेल्विक गर्डल, टू बोन्स। लिंब बोन्स कौन सी? आर्म एंड लेग्स। ईच लिंब 30 बोन्स, टोटल कितने हुए? फोर लिम्स, 120 बोन्स, यस और नो? है ना, 30 × 4, दो बाजू हैं, दो टांगे, तो 120 बोन्स। सो अपेंडिकुलर स्केलेटन इट हैज 120, 120 ये, 4 ये और 2 ये, 126, 126 bones. ठीक है कि नहीं? ये लिख लिया ये वाला साइड? Yes, ma'am. हां जी अक्षय, टेल बोन के बारे में अभी टेल बोन बताऊंगी, टेल बोन आएगी वर्टिब्रल कॉलम में। ठीक है, ये तो सारा, ये तो शोल्डर्स आ गए, हिप्स आ गए, बाजुएं दोनों आ गए और टांगे दोनों आ गए। ठीक है ना, ये आए अपेंडिकुलर स्केलेटन में। अभी टेल बोन जो है हमारे वर्टिब्रल कॉलम की लास्ट बोन है। ठीक है, वो अभी मैं आपको बताती हूँ। रिब्स जो होते हैं बेटा 12 पेयर्स है, सो 12 पेयर्स मींस 24 बोन्स इन रिब्स। जो वर्टिब्रल कॉलम है, मैं साइड में लिख रही हूं, आप नीचे लिखेंगे, वर्टिब्रल कॉलम में नेक वर्टिब्रा होते हैं, सर्विकल वर्टिब्रा 7 जो नेक में है, उसके बाद जो चेस्ट में है थोरेसिक, दीज आर 12, फिर उसके जो बैक वाले रीजन में है, हमारे एब्डोमिनल रीजन में है लंबर, दीज आर 5, फिर उसके और नीचे चले जाए सेक्रल,
दीज आर फाइव, ये ब्रैकेट्स मतलब फ्यूज्ड, फ्यूज्ड टू फॉर्म वन बोन. और उसके बाद लास्ट आ जाता है जो आप बता रहे हो टेल बोन, कॉक्सीजियल, कॉक्सीजियल वर्टिब्रा. दीज आर टू टू थ्री फ्यूज्ड टू फॉर्म वन बोन. तो टोटल बोन्स कितनी आ गई, 12 और 7, 19, 19 और 5, 24, 25, 26, राइट और नॉट, पता चल गया कैसे? ठीक है, तो वर्टिब्रल कॉलम का फॉर्मूला कैसे होता है बेटा, C7, T12, L5, Sacral 5 और फ्यूज्ड कॉक्सीजियल 2 to 3 फ्यूज्ड. टोटल है 26 बोन्स. कॉक्सीजियल 2 to 3 दे फ्यूजिंग टू फॉर्म वन. हाँ, दे फ्यूज टू फॉर्म वन. इट मे बी 2 आल्सो. इट मे बी 3 आल्सो, क्योंकि वेस्टिजियल है, इसका कोई काम धाम है नहीं है मेरे पास स्केलेटन. Then sternum. Sternum is chest bone. It is one. उसके बाद skull. Skull में मैं अभी बताती हूँ, but it is formed of 29 bones. तो अब जरा काउंट कर लो, 80 हो रही है कि नहीं हो रही. 29 and 130 और 26 and 24, 50 50 और 30, 80. यस और नो? सो इट इज 80. अपेंडिकुलर एक्सियल स्केलेटन 80 बोन्स. टोटल कितनी हो गई बेटा, 206 बोन्स. एट्टी प्लस 126, 206 बोन्स. अवतार लिख लिया बेटा. चलो अभी हम इनके बारे में कर लें कि स्कल में कैसे कैसे बोन्स, इनके नाम लिख ले. जो नीचे होती है बोन्स. कौन सी? एंकल की. ये सब लिम्ब में आ जाएंगी, लिम्ब बोन्स आएंगी. अभी हम इन सब के नाम लिख लेते. स्कल बोन्स सबसे पहले आ जाते हैं हम बात स्कल की. स्कल में आ जाता है बेटा क्रेनियल बोन्स, खोपड़ी की जो बोन्स है, जिसके अंदर फिर ब्रेन प्रेजेंट होगा. अनदर इज फेशियल बोन्स, ये इधर बोन्स है, टेम्पोरल बोन्स है, आई ऑर्बिटल्स है, ये सब फेशियल बोन्स है. अनदर इज टंग बोन. टंग इज नॉट फॉर्म्ड ऑफ बोन, बट देयर इज अ बोन हियर विद विच टंग इज अटैच्ड. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज हियोइड बोन. उसके बाद आ जाता है बेटा ईयर ऑसिकल्स. ईयर ऑसिकल्स आर द बोन्स प्रेजेंट इन द मिडल ईयर. ठीक है.
हैमर एंड रैडल स्टेप्स हाँ हैमर शेप्ड हम क्या देते हैं ठीक है तो ईयर ऑसिकल्स कौन से है मेलियस इनकस एंड स्टेप्स मेलियस हमारे मिडल ईयर में ईयर ऑसिकल्स दीज आर द दिखते चलो स्मॉल बोन्स प्रेजेंट इन मिडल ईयर यहां पे लिख लो सिक्स थ्री इन ईच ईयर ठीक है जी और जो बेटा स्टेप्स है स्टेप्स इज द स्मॉलेस्ट बोन इन अवर बॉडी हमारी बॉडी में ही सबसे छोटी बोन है दैट इज स्टेप्स ठीक है जी मेलियस इज हैमर शेप्ड मेलियस इज हैमर शेप्ड बोन जो इनकस है इट इज एनविल शेप्ड ANVIL इट इज एनविल शेप्ड एंड स्टेप्स इज स्टिरप शेप्ड इट इज स्टिरप शेप्ड मैं आपको बना के दिखा देती हूँ एनविल और स्टिरप भी बताते हैं क्या चीज है तो सबसे पहले है मेलियस This is This is मेलियस उसके बाद इनकस इनकस बेटा अगर आप कभी मोची के पास गए हो है ना मोची के पास एक वो लोहे का उसके सामने होता है जीसके ऊपर वो जूता फंसा के फिर कीले ठोकता है या उसको ठोकता है जूते को व्हाटएवर इट इज दैट इज कॉल्ड एज एनविल ठीक तो This is anvil shaped. This is anvil shaped. और उसके बाद है stirrup. Stirrup आप बेटा कभी घोड़े पे चढ़े हो? Yes, sir. घोड़े पे चढ़ के कैसे चढ़ते हैं उसके ये तरफ को होता है जिसके ऊपर पैर रख के फिर चढ़ते हो आप दैट इज कॉल्ड एज स्टिरअप जिसके अंदर आप पैर फंसा के फिर घोड़े के ऊपर चढ़ते हो दैट इज कॉल्ड एज स्टिरअप ये देखो आप ये देखो ये है उसका पैर फंसाने का और जहां पे आप रखते हो पैर वो ये प्लेटफॉर्म है ठीक है ये जो है मेलियस दिस इज इनकस और ये स्टेप्स
और फंक्शन क्या है बेटा इनका? फंक्शन इनका है एम्पलीफिकेशन ऑफ साउंड वेव्स. जैसे बेटा माइक एम्पलीफाई करता है ना आवाज को, ऐसे ही हमारे कानों में ईयर ऑसिकल्स एम्पलीफाई करते हैं, एम्पलीफिकेशन ऑफ साउंड वेव्स इन ईयर. ठीक है जी. सो दिस इज अबाउट ईयर ऑसिकल, सिक्स बोन्स है. बना लिया बेटा ये? प्रज्योत हो गया बेटा? यस मैम. आप अपना माइक ऑन रख सकते हो अगर कहीं इधर उधर से आवाजें नहीं आ रही है. उसके बाद है टंग बोन. इट इज द बोन विद विच, लिख लो फटाफट से, इट इज द बोन विद विच टंग इज अटैच्ड. लिख लिया अवतार? जल्दी से छोड़, ये सब ठीक है. इट इज द बोन विद विच टंग इज अटैच्ड. इट इज यू शेप्ड बोन. It is U-shaped bone. It is present just above larynx. It is present just above larynx. Larynx होता है आपका voice box. Next आ जाता है बेटा facial bones. बना लो ये डायग्राम भी बना लो फटाफट से. दिस इज योर उसके बाद है फेशियल बोन्स. ये दो हमारी, ये जो चीक बोन्स होती है, दीज आर कॉल्ड एज जाइगोमेटिक बोन्स. टू zygomatic bones. उसके बाद है टू आई ऑर्बिटल्स. टू आई ऑर्बिटल्स. फिर आ जाता है टू nasal bones. Two nasal bones. उसके बाद आ जाता है two maxillary bones. Maxillary bones means lower jaw, sorry upper jaw bones of upper jaw. नीचे वाली जो मैंडिबल है, नीचे वाली जो एक ही बोन होती है. देयर इज वन मैंडिबल ऑफ लोअर जॉ. वन मैंडिबल. टाइप नथिंग. वन मैंडिबल ऑफ लोअर जॉ. उसके बाद है two terminals or conche bones of nose. एक तो दो nasal bones है जिसमें नाक फिट है, उसके बाद दो अंदर terminals है. Next is जो ये middle में है, जो दो nasal chambers को अलग करते हैं, that is one vomer या nasal septum. One vomer or nasal septum.
उसके बाद बेटा पैलेट है, देखो ये देखो पैलेट है ना, यहाँ पर भी बोन्स होती है, तो टू पैलेंटाइन बोन्स, टू पैलेंटाइन बोन्स, हार्ड पैलेट और सॉफ्ट पैलेट अलग अलग दो बोन्स। हाँ बेटा ये हार्ड पैलेट की ही बोन्स है, सॉफ्ट पैलेट में बोन्स नहीं होती बेटा, हार्ड पैलेट की ही ये दो, एक इस साइड बोन होती है एक इस साइड बोन होती है, सो टू पैलेंटाइन बोन्स, सो टोटल ऑफ 14 बोन्स, गिनती देख लो, फेशियल बोन्स आर 14 बोन्स। आई ऑर्बिटल्स को बेटा लैक्रिमल बोन्स भी कह देते हैं, नेक्स्ट आ जाते हैं बेटा क्रेनियल बोन्स, खोपड़ी की जो बोन्स है, ये रब कर दूं बेटा सारी, क्रेनियल बोन्स में आ जाता है बेटा पहले फोरहेड की बोन, वन फ्रंटल बोन, फिर ये जो दो आ जाती है यहां पे खोपड़ी में, इधर अवतार इधर छोड़ दे, बाकी सब इधर ध्यान दे, ये दो है आगे वाली, ये फ्रंटल, फिर ये दो, दीज आर टू पेराइटल्स, फिर यहाँ पे दो ऑक्सीपिटल बोन्स है, सॉरी दो नहीं वन, आई एम सॉरी वन ऑक्सीपिटल, कहाँ पे है पीछे वाली साइड, दिस इज वन ऑक्सीपिटल, उसके बाद दो कान के पास बोन्स है, यस यहाँ पे दो इधर होती है, दीज आर टू टेम्पोरल्स, और बेटे दो छोटी छोटी बोन्स जो हमें बाहर से नहीं नजर आती वो अंदर होती है, दैट इज वन स्फिनोइड एंड वन इथमोइड, वन स्फिनोइड एंड वन इथमोइड, टोटल हमारे पास है 8 बोन्स। तो आप काउंट करके देखो 29 बोन्स कल में बन रही है कि नहीं, जरा देखो जल्दी से, ठीक ही नहीं है वो, देखो कल बन रही है, देखो जी वो क्रेनियम की 8 ना 14 फेशियल बोन्स, फेशियल 14, हियोइड बोन 1, टंग बोन, ये रही टंग बोन 1 और ईयर ऑसिकल्स 6, ठीक है ना, स्कल में आ जाएगी बेटा क्रेनियल बोन्स 8, फेशियल बोन्स 14, ईयर ऑसिकल्स 6, हियोइड बोन 1, 14 6 20 और 8 28 और 1 29 29 बोन्स, ठीक है, तो यहां पे स्टार डाल के लिख लो All bones of skull are
are immovable bones. Except एक है mandible. Mandible हिलेगी, ऊपर नीचे जाएगी, तभी हम बोलेंगे, तभी हम खाएंगे. और दूसरा है ईयरोसिस. It is mandible and ईयरोसिस. और यहाँ पे इधर लिख लीजिए क्रेनियल बोन्स के नीचे या स्टार डाल के पॉइंट लिख लीजिए. Cranial bones are joined by fibrous joints, fibrous immovable joints. And form brain box, which enclose brain, ठीक है जी. हाँ जी बेटा. हाँ अब बोल. केज? रिब केज. रिब केज की बात कर रहे हो? टीथ, टीथ किस बोन में? विद टीथ तो बोन्स के बने ही नहीं हुए. टीथ तो किसके बने हुए? इनेमल के बने हुए हैं या कुछ कनेक्टिव टिश्यू के बने. ठीक है, तो दे आर अटैच्ड विद द जॉ बोन्स. ठीक है, लिख लो, ये भी पॉइंट लिख लो. टीथ आर अटैच्ड with the jawbone, by immovable joints, ये स्टार डाल के अगर बॉक्स में लिख सकते हो तो उसमें लिख लेना. called by immovable joints called as gomphosis. Teeth are not formed of bones. But is formed of, हाँ जी बेटा. टीथ इज नॉट फॉर्म्ड ऑफ बोन्स बट इज फॉर्म्ड ऑफ डेंटाइन. बट इज फॉर्म्ड ऑफ द केमिकल कॉल्ड एज डेंटाइन, DENTINE, कवर्ड बाय इनेमल. तो वो बोन्स के नहीं बनते बेटा, इसलिए हम उसको बोन्स में नहीं काउंट करते. ठीक है जी. तो बेटा हमने स्कल की बोन्स आपको बताई, उसके बाद इनके स्ट्रक्चर्स हमें करने की जरूरत है. इतना ही पता होना चाहिए कि क्रेनियल बोन्स आर इमूवेबल बोन्स, ईयर ऑसिकल्स का जहां जहां पे स्ट्रक्चर की जरूरत है वहां वहां पे मैंने आपको बता दिया. नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा स्टर्मा. हाँ, स्टर्नम और चेस्ट बोन. इट इज फ्लैट बोन, विच इज डैगर शेप. डैगर बेटा, अगर आप कभी देखोगे कि कभी सड़कें साफ हो रही है या सड़कों पे कंस्ट्रक्शन हो रही है तो वो पास में सफाई करते हैं,
है कि नहीं, और उनके पास एक क्या बोलते हैं हिंदी में पंजाबी में तबलचा सा होता है लंबा सा, जिससे वो सफाई साथ में करते रहते हैं, मिट्टी मुट्टी उठाते रहते हैं, गारा गुरा उठाते रहते हैं, दैट इज कॉल्ड एज डैगर. सो इट इज डैगर शेप विच कंसिस्ट ऑफ, ये देखो ये इसका हैंडल है, दिस इज एक मिनट, दिस इज बॉडी और ये नीचे जिफी स्टर्नम, इट हैज, इट इज डैगर शेप्ड. ठीक है, इसका ये हैंडल, ये बॉडी और ये आगे नोक सी होती है, दिस इज कॉल्ड एज ज़िफोइड प्रोसेस. दिस इज बॉडी एंड दिस इज मेनुब्रियम, जो हमारी स्टर्नम है इसके थ्री पार्ट्स है, मेनुब्रियम, body and xiphoid process. बेटा ये दोनों तो बोनी है, but जो xiphoid process है it is cartilaginous. chest bone का क्या function है बेटा, यहां से ये देखो, यहां से ribs attached है, इट प्रोवाइड्स सरफेस फॉर द अटैचमेंट ऑफ रिब्स. ठीक है, तो लिख लो स्टर्नम प्रोवाइड्स द सरफेस और फेसेट्स, FACETS, सरफेस और फेसेट्स फॉर द अटैचमेंट ऑफ रिब्स, for the attachment of ribs. ठीक है, next आ जाता है, it also helps in respiratory movements of rib cage, क्योंकि स्टर्नम आगे गया, रिब्स ऊपर उठे, है ना, इट हेल्प्स इन रेस्पिरेटरी मूवमेंट्स ऑफ द रिब केज. ठीक है जी, बना लिया, रब कर दूं मैं इसको. अक्षय, हाँ जी बेटा बोले, ज़िफोइड प्रोसेस क्यों कहते हैं इसको, इसका नाम ही यही है बेटा, ज़िफोइड प्रोसेस. ठीक है, बट ये याद रखो फॉर्म्ड ऑफ कार्टिलेज. तो कई बार क्वेश्चन आ जाता है द पार्ट ऑफ द स्टर्नम फॉर्म्ड ऑफ कार्टिलेज कौन सा है, इट इज ज़िफोइड प्रोसेस. नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा वर्टिब्रल कॉलम. नेक्स्ट इज वर्टिब्रल कॉलम और इसमें हम आ जाते हैं टिपिकल स्ट्रक्चर ऑफ वर्टिब्रल. टिपिकल स्ट्रक्चर ऑफ वर्टिब्रा ये है स्पाइनस प्रोसेस,
This is the structure of typical vertebra. ठीक है, ये आ जाते हैं बेटा स्पाइनस प्रोसेस. ये थोड़ा सा हम इस तरह से बनाएंगे, इतना सारा स्पाइन का सीन है. दिस इज सुपीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस. Inferior articular process. This one is transverse process. ये जो है, this is sternum. और इसके बीचों बीच एक अपर्चर है. दिस इज कॉल्ड एज इंटर वर्टिब्रल कैनाल. बेटा अगर बेंच पे बैठा बैठा थक गया तो चेयर भी ले सकते हैं. इट इज इंटर वर्टिब्रल कैनाल. बेटा मैं तुम्हें ना लाकर जरा दिखाती हूँ, अगर मुझे मिल जाए. श्रीला बेटा देख जरा कि हमारे पास वो था जो स्केलेटल सिस्टम का जो वो बॉक्स है हड्डियों वाला, हड्डियों वाला लिफाफा भी. ऐसे कैसे स्टोर में होगा? स्टोर में. बेटा मैं तुम्हें अभी बोन्स ला के दिखाती हूँ, प्लीज पापा के पास जल्दी से, बस 2 मिनट वेट करो. ठंड लगती थी जो जो मुझे मिलता रहता है मैं आपको दिखाती रहती हूँ. ये देखो, ये हमारा लोअर जॉ है. ठीक है, जो हिलता है मतलब होगा ही, पीछे तक होगा, है ना. तो ये देखो, ये टीथ की स्पेसेस आपको नजर आती है, दिख रहे हैं आपको कि नहीं? This is lower jaw. प्रभजोत आपको नजर आ रहा है बेटा?
Yes, ma'am. ठीक है जी, ये आपका लोअर जॉ है, ये टीथ की, और आप ये देख रहे हो इट इज फॉर्म्ड ऑफ सिंगल बोन ओनली. ठीक है, इट इज द ओनली बोन ऑफ द फेस विच कैन मूव अप डाउन अप डाउन अप डाउन. ठीक, खोपड़ी. ठीक है, एंड यू कैन सी हियर दिस इज फ्रंटल बोन, देख रहे हो सिंगल है. और यहाँ पे अगर आपको दिखे, आपको दिख रहा है, ये देखो जॉइंट नजर आ रहा है. कैन यू सी दिस जॉइंट बीच में, नजर आ पा रहा है? ये बीच में, ये देखो, ये बीच में, ये दो फ्रंटल बोन्स है. ठीक, सॉरी फ्रंटल नहीं, आई एम सॉरी, पिराइटल बोन्स है. दीज आर टू पिराइटल बोन्स, जिसके बीच में एक फाइब्रस, अगर आप थोड़ा सा, क्योंकि ये पुराना सा हो गया ना, तो इतना ये थोड़ा सा आपको यहाँ पता चलेगा. कैन यू सी दिस प्रज्वल? ठीक है, ये नजर आ रहा है ना, ये आपको भी नजर आ रहा है ये जॉइंट? दिस इज, ये कौन सी बोन है? दिस इज ऑक्सीपिटल बोन, ये पीछे वाली एक ही बोन है, दिस इज ऑक्सीपिटल. और यहाँ पे देखते हो फाइब्रस क्यों कहते हैं, ये ऐसे नहीं लगता जैसे टांके से लगे हुए हैं, है ना? दिस इज फाइब्रस जॉइंट. और ये जो बोन है, ये दिस इज टेम्पोरल बोन, एक ये बोन और एक यहाँ पे, दिस इज, दीज आर टेम्पोरल बोन्स, राइट? तो हमारी कौन सी थी, एक ये फ्रंटल बोन, दो पेराइटल बोन्स, एक ऑक्सीपिटल बोन, एक ये टेम्पोरल, एक ये टेम्पोरल, दो टेम्पोरल बोन्स, और दो बोन्स जो स्फिनॉइड एंड इथमोइड है वो यहाँ पे नहीं हमें दिखती है, वो अंदर वाली साइड प्रेजेंट, राइट? उसके बाद अगर हम यहाँ देखें, ये दिस इज पैलेंटाइन बोन्स, पैलेट का बोन्स है ना, और इसके बीच में दो, एक जॉइंट है, नजर तो नहीं आ रहा, बट एक जॉइंट होता है, दैट इज फाइब्रस जॉइंट. सो दो पैलेंटाइन बोन्स है, राइट? ये दो दिख रही है आपको, ये दीज आर लैक्रिमल बोन्स या आई ऑर्बिटल्स है. ये देखो, ये साइड में चीक बोन्स, राइट? दीज आर जाइगोमेटिक बोन्स. ठीक है, बाकी अपर जॉ एंड लोअर जॉ, लोअर जॉ मैंने दिखा दी, अपर जॉ नहीं अभी यहाँ पे पता चलता है. यहाँ पे दो जो है, ये नेजल बोन्स है, वोमर टूट गया बेचारा, ठीक है ना? तो ये थोड़ी सी बोन्स है. और हमारे ब्रेन के नीचे जहां से नर्व्स बाहर आती है, दिस इज फोरेमन मैग्ना, दिस इज ए लार्ज अपर्चर. ये टूटा नहीं हुआ, ये ऐसे ही, हमारी खोपड़ी भी जब निकलेगी तो ऐसे ही यहाँ पे अपर्चर नजर आएगा, होल नजर आएगा. दिस इज कॉल्ड एज फोरेमन मैग्नम, थ्रू विच द नर्व्स, क्रेनियल नर्व्स एंटर या कम. ठीक है, और इसके नीचे ही क्या अटैच्ड है, दैट इज वर्टिकल कॉलम. ठीक है, तो आप यहां पे देख सकते हो, पीछे तो आपको नजर नहीं आ पाएगा, दिस इज क्रेनियल. और क्रेनियल अगर पीछे से थोड़ा सा नजर आता है तो क्रेनियम के नीचे से ही वर्टिकल कॉलम अटैच्ड है, दिख रहा है कि नहीं? बट ये आपको दो फ्लैट बोन्स नजर आ रही है, दीज आर शोल्डर बोन्स, पेक्टोरल गर्डल है. नीचे नीचे ये जो राउंड सी इधर हिप्स वाले रीजन में नजर आ रही है, दिस इज पेल्विक गर्डल, जिसके साथ लेग्स की बोन्स अटैच्ड है, राइट और नॉट? ठीक है, और बेटा पेल्विक गर्डल अगर ध्यान से देखो तो बीच में ये जो है पेल्विक गर्डल किसके साथ अटैच्ड है, बीच में एक ट्रायंगुलर सा रीजन नजर आ रहा है आपको, दिस इज सेक्रम. ठीक है, सेक्रम इज द लास्ट वर्टिब्रा, पांच सेक्रल वर्टिब्रा फ्यूज टू फॉर्म ए ट्रायंगुलर बोन कॉल्ड एज सेक्रम. लेट मी शो यू कि अगर आपको मैं दिखा सकू, ये देखिए दिस इज सेक्रम, है ना? ये लास्ट में आप देखो कि आपको ये लास्ट में ऐसा वाला नजर आ रहा है कि नहीं, जिसके साथ पेल्विक गर्डल अटैच्ड है,
ये बीच में ये वाला आ रहा है अवतार, ठीक है। तो ये देखो ये है सेक्रम, और बेटा ये वेस्टिजियल नीचे टूट गई है, बट यहाँ पे वेस्टिजियल ये टूट चुका है, यहाँ पे एक ट्रायंगुलर सी छोटी सी बोन होती है, दैट इज टेल बोन, जो हमारी वेस्टिजियल है। हमारी पूंछ तो है नहीं है, तो टेल बोन हमारी क्या है, वेस्टिजियल, बट दिस इज सेक्रम, ठीक है। इसके साथ क्या अटैच्ड होता है, इसके साथ ये ऐसे करके या इस तरह से करके पेल्विक गर्डल अटैच्ड है सेक्रम के साथ। पेल्विक गर्डल, एक पेल्विक गर्डल ये है, एक इधर अटैच होगा, और दोनों पेल्विक गर्डल जो है वो अटैच होके एक सर्कल बना देंगे। दिख रहे हैं आपको एक ये सर्कल, ये हिप बोन, पूरी हिप बोन तो चलो पेल्विक गर्डल है, बट इसको हम पूरे स्ट्रक्चर को कह देते हैं पेल्विस। एंड यू नो, थोड़ा सा ध्यान देखो कि जो फीमेल्स है, व्हेन दे गिव बर्थ टू द चाइल्ड, द फीटस, हम सब भी, ठीक है, हम कहां से पास हुए हुए, ये जो इसके अंदर होल नजर आ रहा है कि नहीं, ये बेटा देखो, ये पेल्विक गर्डल, ये पेल्विक गर्डल, पीछे सेक्रम, ये सब फ्यूज होके बीच में एक छेद बना रहे हैं कि नहीं, बीच में है, ठीक है, दिख रहा है कि नहीं अवतार, ठीक है। तो इस जो एवरी चाइल्ड ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, ये ऐसे करके होल बन रहा है कि नहीं, ठीक है, एक अपर्चर बन रहा है। सो ड्यूरिंग पार्चुरेशन, ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, द चाइल्ड इट पासेस थ्रू दिस अपर्चर, तो दैट इज व्हाई अगर हम ये अपर्चर देखेंगे तो ये फीमेल में ब्रॉड होता है, मेल्स में नैरो होता है, दैट्स व्हाई हिप रीजन ऑफ द फीमेल्स इट इज ब्रॉडर, जूम आउट कर, इट इज ब्रॉडर इन फीमेल्स बिकॉज दे हैव टू गिव बर्थ टू द यंग, इज इट ओके, ठीक है। तो पेल्विस किसके ज्वाइन करने से बना, दो हिप बोन्स और पीछे स्टर्नम, इन सब के ये स्टर्नम है, और लेट अस से ये दो हिप बोन्स है मेरे हाथ, ये इस तरह से ज्वाइन करके, तो आप ये देख सकते हो, ये बीच में एक अपर्चर नजर आ रहा है, दिस होल स्ट्रक्चर, दो पेल्विक गर्डल और एक ये स्टर्नम, ये दो स्टर्नम नहीं सेक्रम, आई सॉरी सेक्रम, ये तीनों फ्यूज होके क्या बना रहे, पेल्विस, ठीक है। इट इज ब्रॉडर इन फीमेल्स, नैरो इन मेल्स, तो आप मैक्सिमम मेल्स में देखोगे जो ये हिप वाला रीजन है ये बिल्कुल ऐसे सीधा होता है, फीमेल्स में थोड़ा सा ब्रॉड, ठीक है जी। तो ये आपको पता चला, अब हम कर रहे थे वर्टिब्रा, ये देखिए ये है वर्टिब्रा, ठीक है, सिंगल, एक सिंगल वर्टिब्रा है ये, ठीक है, वर्टिब्रल कॉलम नहीं है, दिस इज वर्टिब्रा, कितने बताए थे, 26 बताए थे, 26 बोन से बताए थे वर्टिब्रल कॉलम में। चलो पहले ये देखो, ये क्या है, दिस इज स्पाइनस प्रोसेस आगे, ठीक है। अगर हम इस तरह से देखें तो ये नीचे क्या है, या ऊपर करके देख लो जैसे हमने बनाया है, दिस इज स्पाइनस प्रोसेस एंड दिस इज सेंट्रम, ठीक है। ये इधर देख रहे हो आप, ये वाला स्पाइन के पास, दिस इज सुपीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस, दिस इज ट्रांसवर्स प्रोसेस एंड दिस इज इंफीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस, और बीच में होल नजर आ रहा है ये वाला, दिस इज इंटरवर्टिब्रल फोरामेन, ठीक है, क्लियर टू एवरीबडी। अगेन ये जो है ये सेंट्रम, अच्छा स्टर्नम ठीक कर लेना, सेंट्रम, दिस इज सेंट्रम, ये सेंट्रम है फ्लैट पोर्शन, इसके ऊपर ही इंटरवर्टिब्रल फोरेमन या इंटरवर्टिब्रल कैनाल,
या हम इसको कह देते हैं इंटर वर्टिब्रल फोरेमन, मतलब होल अपर्चर. दिस इज स्पाइनस प्रोसेस. सुपीरियर आर्टिकुलर, इंफीरियर आर्टिक, इंफीरियर आर्टिकुलर एंड ट्रांसवर्स. और जब दो वर्टिब्रा, लेट अस सी, मैं इसी को ही कनेक्ट करती हूँ, ऑल्दो ये दोनों अनइक्वल है. मैं इस तरह से दिखा देती हूँ. ये देख रहे हो कि ये दो वर्टिब्रा कैसे जुड़ेंगे. एक तो सेंट्रम जो है, ये सेंट्रम और ये सेंट्रम, ये जुड़ जाएंगे. और एक की इनफीरियर, नीचे वाली आर्टिकुलर प्रोसेस, और दूसरे की ऊपर वाली. ये देखो कैन यू सी इट, कि वर्टिब्रा, एडजेसेंट वर्टिब्रा ज्वाइन बाय सेंट्रम, दिख रहे हैं आपको. एक तो सेंट्रम के थ्रू, और दूसरा ज्वाइंट कहां पे है, उसकी इंफीरियर प्रोसेस और इसकी सुपीरियर प्रोसेस, इसमें ज्वाइंट है. ठीक है, तो आपको पता चला कि टिपिकल वर्टिब्रा का क्या स्ट्रक्चर है. दैट इज हैज सेंट्रम, इंटरवर्टिब्रल फोरेमन, स्पाइनस प्रोसेस, सुपीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस, ट्रांसवर्स प्रोसेस एंड इंफीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस. क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा लिख लो जल्दी से, ये बना लो पहले. बना लिया सबने? देन राइट डाउन. एडजेसेंट वर्टिब्रा, एडजेसेंट वर्टिब्रा आर ज्वाइंट एट टू प्रोपॉइंट्स, आर ज्वाइंट या आर्टिकुलेट्स एट टू पॉइंट्स. फर्स्ट है बाय फाइब्रस ज्वाइंट्स बिटवीन सेंट्रम ऑफ एडजेसेंट वर्टिब्रा और दूसरा है बाय ग्लाइडिंग ज्वाइंट्स, बाय ग्लाइडिंग ज्वाइंट बिटवीन सुपीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस ऑफ वन वर्टिब्रा एंड इंफीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस ऑफ एडजेसेंट वर्टिब्रा. यहां पे बेटा थोड़ा सा ठीक करो, बाय कार्टिलेजिनस जॉइंट, बाय कार्टिलेजिनस जॉइंट, नॉट फाइब्रस बट बाय cartilaginous joint between centrum of adjacent vertebra and by gliding joint between superior and inferior articular process of adjacent vertebra. ठीक है जी, next point लिखिए. cervical vertebra are the smallest vertebra present in the neck. Present in the neck region. The first cervical vertebra is called as atlas. The first cervical vertebra
is called as atlas, which supports. Ma'am, is called as? Called as atlas, A-T-L-A-S, is called as atlas, which supports the cranium. Sorry, cranium ko wo support, which support the skull. Cranium na ke lahi ko, which supports the skull. Pure skull ko support kar raha hai. Ye, bete hum choti kahaniyon mein, chote books mein padhte the na, ki ek atlas hai, usne sare globe ko apni ungli pe rakha hua hai. So isi hum wo globe kya keh rahe hai? Ye hamara pura skull. Aur atlas wo bone, jisne pure globe ko sambhala hua hai, pure skull ko sambhala hua hai. Which supports the whole skull. It lacks. It lacks a centrum as well as processes. It is ring-like. It is ring-like. ठीक है जी, second cervical vertebra is called as axis. The axis has a small process called as odontoid process. It has a small process called as odontoid, O-D-O-N-T-O-I-D. Odontoid process, which fits in the odontoid canal. Which fits in the odontoid canal. Of atlas. Odontoid canal of atlas. ठीक है, atlas जो है बेटा जब हम yes करते हैं तो it is the atlas which moves. ठीक है, तो star डाल के point लिखो. Atlas is called as yes bone. ऐसे 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 जो भी है. Atlas is called as yes bone. And axis is called as no bone. SA. Axis is called as no bone. Baki seven cervical vertebra to hai. Next point. Achha, ek cheez a jaiye. Ki kya, jo hum kehte hai, jo giraffe hai aur camel hai, inki neck lambi hoti hai? तो मैमल्स में हम कहते हैं सेवन सर्विकल वर्टिब्रा, तो क्या जिराफ या कैमल में जिनकी नेक लंबी है दे हैव मोर सर्विकल वर्टिब्रा? कैमल भी ऑफर मोर साइज. मोर साइज, बिल्कुल ठीक है, उनका साइज बड़ा होता है. ये भी लिख लो, स्टार डाल के फिर पॉइंट लिख लो. लाइक अदर मैमल्स कॉमा the camel as well as giraffe also have seven cervical vertebra. Seven cervical vertebra. But their vertebra is of large size. उसके बाद है थोरेसिक वर्टिब्रा. बस हम लास्ट ही है, थक गए होंगे, वर्टिब्रल कॉलम हम कर ले. मतलब थोरेसिक वर्टिब्रा 12 इन नंबर. Provides the site for attachment of ribs.
provides a site for attachment of ribs. The present proper. Thus, sternum, ribs and vertebral column forms rib cage. ठीक है कि नहीं? Sternum, ribs and vertebral column forms rib cage. आप देख सकते हो जो जंगला हमें ऊपर नजर आ रहा है. This is all rib cage. Sternum के साथ attached है ribs और पीछे vertebral column के साथ attached है. So this is rib cage. फिर नेक्स्ट आ जाता है बेटा लंबर वर्टिब्रा. नेक्स्ट इज लंबर, LUMBAR, लंबर वर्टिब्रा प्रेजेंट इन एब्डोमिनल रीजन. लार्जेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट वर्टिब्रा, लार्जेस्ट एंड strongest vertebra. क्योंकि इन्होंने सभी abdominal organs को support करना है, इसलिए सबसे बड़े हैं. उसके बाद है sacrum, sacral vertebra, SACRAL, sacral vertebra. Five in number. Fused to form single sacrum. Fused to form single sacrum. In females, sacrum is wider than males. In females, sacrum is wider than males. Or last है coccyx या coccygeal. Coccygeal. Two to three vertebra fuse to form one tailbone. Two to three vertebra fuse to form one tailbone coccyx. ठीक है. Sacrum is fused with pelvic girdles. To form pelvis. Which is broader in females. Reason पता चल गया आपको है ना? Broader in females. Coccyx is vestigial. लिख लिया ऊपर? चलो बस फिर दोबारा मत लिखना. Coccyx जो है vestigial है. चलिए जी next point एक लिखो. Intervertebral foramen of all the vertebra. Intervertebral foramen of all the vertebra overlap. एक दूसरे के ऊपर है. Overlap to form a single canal called as vertebral canal. In which spinal cord is present? To form a single? Single vertebral canal. In which spinal cord is present? ठीक है जी. So this is all about your vertebral column. कल हम ribs के बारे में करेंगे. ठीक है. और बाकी की चीजें करेंगे. और कल हम जो है बोन्स और कार्टिलेज का स्ट्रक्चर भी करेंगे.
ठीक है, जरा पहले मैं